उनको सोचना चाहिए कि जिस बेटी की कसम खाकर उस बेटी के नाम पे आपने वोट मांगे थे वो आपकी बेटी आज लुट गई, उस बेटी के साथ बलात्कार हो गया, लेकिन आप क्यों नहीं सड़क पे आ रहे हो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिशन के बाद में भूपेंद्र सिंह सोनवाल। दोस्तों चोरू से एक घटना आई है सामने, जहां एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार किया गया था 17 जुलाई 2021 को, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसको लेकर जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो 5-6 दिन से धरने पर बैठे हैं कि अभी तक जो आरोपी है उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया। हाँ जी हाँ, उसको लेकर उन्होंने आह्वान किया है कि वह 16 अगस्त को, जी हाँ आने वाली 16 अगस्त को राजस्थान के जो चूरू जिला है उसको बंद करने का कार्य करेंगे। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि अगर 15 अगस्त तक अगर जो आरोपी है उसको गिरफ्तार नहीं किया गया तो 16 अगस्त को वह जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वह चूरू बंद करने का कार्य करेंगे। जी हाँ, वीडियो में देख सकते हैं, उन्होंने बताया कि जो एक मासूम दलित नाबालिग बच्ची थी वह झाड़ू पोछा करने के लिए उसकी मौसी के साथ वह जाया करती थी दूसरे के घर पर। एक दिन वह अकेले चली गई तो उसके साथ जो मालिक था उसके बेटे ने उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया। जी हाँ, आप सुन सकते हैं किस प्रकार से, क्योंकि आने वाली 16 अगस्त को चूरू जिला करेंगे वन सामाजिक कार्यकर्ता। देखें आप वीडियो। पहले एक नाबालिग बच्ची के साथ कुकृत्य किया जाता है, साथ में एक बता दूं कि इस बच्ची की माँ है वो भी खत्म हो चुकी है, बच्ची अपनी मौसी के पास रहती है और मौसी के साथ 27 दिन हो चुके हैं। मौसी जो किसी अपने पेट पूजा करने के लिए और अनाथ बच्चों को पालने के लिए किसी के घर पे झाड़ू पोछा करने जाती थी, साथियों जिस घर में झाड़ू पोछा करने जाती थी और जो परिवार उनका पेट पालता था उसी परिवार ने उनके उस बच्ची को नोच खाया। साथ ही उस परिवार का जो मालिक का बेटा है सूर्य प्रकाश सोनी उस बच्ची को अकेला पाकर उसके साथ कुकृत्य करता है, और कुकृत्य भी इस प्रकार से करता है कि इस लाइव वीडियो में मैं आपको वो बात बता नहीं सकता। साथियों पिछले 6 दिन से ये हमारा धरना चल रहा है कलेक्टर के सामने। धरना चलाने का कारण ये है कि पुलिस प्रशासन अभी नींद में सोया है और हमारे समाज के सभी क्रांतिकारी साथी हैं वो धरने पे इसलिए बैठे हैं कि ये पुलिस प्रशासन कब नींद में जागे और आरोपी जो पुलिस के सामने जो आंखों के सामने घूम रहे हैं सड़कों पर खुलेआम वो उसको कब गिरफ्तार करे। साथियों मामले में 27 से 28 दिन हो चुके हैं, पोक्सो एक्ट का मामला है, नाबालिग बच्ची है, अनाथ बच्ची है, पुलिस प्रशासन स्थानीय विधायक राजेंद्र राठौर है वो वोट लेने के लिए उस बच्ची के सिर पर हाथ रख के उसने बोला था कि बेटा तू मेरे को वोट दे, या फिर उसकी मम्मी को बोला था कि बेटा तू उसको मेरे को वोट दे, और बड़े लाड़ चाव से सिक्कर इस चूरू की जनता ने स्थानीय विधायक राजेंद्र राठौड़ को इस चूरू की कमान उसके हाथों में सौंपी थी, इस चूरू का ताज उसके सर पे पहनाया था, लेकिन नहीं, वो भी विधायक साहब भी अभी तक नींद में सो रहे हैं। उनको सोचना चाहिए कि जिस बेटी की कसम खाकर उस बेटी के नाम पे आपने वोट मांगे थे वो आपकी बेटी आज लुट गई, उस बेटी के साथ बलात्कार हो गया, लेकिन आप क्यों नहीं सड़क पे आ रहे हो, आप क्यों नहीं अपनी पैस्त्री को बोल रहे हो कि उसको गिरफ्तार करो। साथियों लाइव आने का एक ही हमारा मकसद है कि हमारे यहाँ हमें ये मीडिया, क्योंकि पूरा जो प्रशासन है वो सरकार के अंदर में दबाव है इसलिए मीडिया भी दबाव है। सर साथियों मीडिया आपको ये चीज़ें नहीं बताएगा। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में सेंड करें और हमें इस धरने को सफल बनाने और बच्ची को न्याय दिलाने में सहयोग करें। जय भीम। देखते रहिए मिशन के बाद, साथ में भूपेंद्र सिंह सोनवाल, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।